आपातकाल पीड़ित मीसाबंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ का एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन रविवार 26 जून को नई दिल्ली में जंतर मंतर के पास स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी ने राजधानी भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए समाज के संपूर्ण भागों में लोक चेतना बनी रहे, इसके लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। लोकतंत्र सेनानी संघ का ये राष्ट्रीय सम्मेलन लोकशाही इस देश में चिरस्थायी हो, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए समाज के संपूर्ण भागों में लोक चेतना बनी रहे, इसके लिए हमारा ये सम्मेलन है। और जहां कहीं भी लोकतंत्र के ऊपर आघात हो, उसके लिए हमें संघर्ष के लिए सन्नद्ध रहना है। रचनात्मक लोकशाही के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए विचार विमर्श हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन में होने वाला है, जिसमें हमारे अनंत कुमार जी मुख्य अतिथि के रूप में रसायन मंत्री जी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर करने वाले हैं। इस अवसर पर हमारे रविशंकर प्रसाद जी विशिष्ट अतिथि के रूप में, जो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं, वो उपस्थित रहेंगे। अपने माननीय थावरचंद जी के लोग सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री हैं, वो भी इसमें उपस्थित रहेंगे। हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी जो एक खुद भी मीसाबंदी हैं, यरोड़ा जेल में बंद रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे राजेंद्र अरलेकर जी जो गोवा के पंचायत मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। माननीय प्रभात झा जी ये भी हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। ये तो सनातन काल तक चलने वाला है और हम ये संगठन इसलिए चाहते हैं कि ये माइलस्टोन खड़े रहे, इन्हें देख करके लोग याद करें। अभी 2 माह पहले सलमान खुर्शीद कहता है कि देश के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तत्कालीन तानाशाह श्रीमती गांधी ने भूल स्वीकार किए, अभी देश से माफी मांगा जाना बाकी है और उसके बाद इस तरह से भूला जाना, इस प्रवृत्ति को हमें कुचलना होगा। सारे दलों में हमें चेतना लाने की आवश्यकता है। भोपाल से EMS TV के लिए करण पवार की रिपोर्ट।